नमस्कार भारतवासियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है उत्साह होगा, जश्न होगा। मैं मयंक पांडे फिलहाल आपका स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से चैनल और आपके भी इस प्यारे से चैनल द एक्सलेंट मेंटर्स पे। आज 15 अगस्त के दिन भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन आज़ादी किन मूल्यों पे मिली थी, किन स्थितियों में मिली थी, किस तरह से मिली थी? शायद इस बात की बात अगर मैं करूं तो काफी लोगों को इस बारे में पता ही नहीं था, और लोगों को पता हो भी क्यों, क्योंकि कभी किसी ने बताने की कोशिश की ही नहीं। और 15 अगस्त 1947 या 14 अगस्त 1947, क्या वो दिन, क्या स्थिति रही, क्या परिस्थिति रही, इन सब बातों की हम बात करेंगे आज यहाँ पर। एक 15 से 20 मिनट का सेशन लेंगे। यदि आपको उस दिन के बारे में या उस चीज़ों के बारे में पता है तो आप बेशक इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं पता है तो मेरे हिसाब से एक भारतीय होने का फ़र्ज़ ये है कि आपको उन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो आप सीरियसली 15 से 20 मिनट अपने जीवन का इस वीडियो पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि वो 15 से 20 मिनट आपके वेस्ट नहीं होंगे। और देश के प्रति कैसा वेस्ट यार, देश ने ही आपको बनाया है, देश के लिए ही आप बने हो, और देश के लिए अगर आप 15 से 20 मिनट दे दोगे तो आपका वो 15 से 20 मिनट वेस्ट नहीं होगा। तो मैथिली शरण गुप्त की एक बात याद आती है, कुछ कथन याद आते हैं कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो स्वदेश से प्रेम दिखाइए और वीडियो को देखिए कि क्या आपको जानकारी मिलती है। तो आज़ादी का जो मंजर था वो इतनी आसानी से हमें नहीं मिला था, थाली में परोस के नहीं मिला था कि लो भैया आज़ादी ले लो। या लोग, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको 1947 में कोई सपना नहीं आया था कि यार बहुत दिन मैंने राज कर लिया और भारत को बहुत दिन लूट खा लिया, अब क्या करते हैं, इनको छोड़ देते हैं और चलते हैं यहाँ से। ऐसा कुछ नहीं था। परिस्थितियाँ कई होती हैं, जैसे आपने, आपकी परिस्थिति खराब हुई, आपको पैसे की बहुत नीड पड़ी, आप स्टूडेंट हो, आप नौकरी नहीं कर सकते, लेकिन आपने घर चलाने के लिए या उन परिस्थितियों से पार पाने के लिए एक पार्ट टाइम जॉब कर ली। अब आप पार्ट टाइम जॉब की आपकी सारी समस्याएं खत्म हो गई, अब आपको लगता है कि पार्ट टाइम जॉब छोड़ देना चाहिए क्योंकि मेरे, मुझे पैसे की नीड नहीं है, साथ ही मेरे, मैं जो तैयारी करने आया था शहर, वो तैयारी मेरी ठीक से हो नहीं रही है। तो कंडीशन दो बन रही है। अब दोनों में से किस कंडीशन की वजह से आप नौकरी छोड़ रहे हो, शायद ये कन्फर्म नहीं, लेकिन हाँ, जो दो तीन कंडीशंस हैं उन कंडीशंस को देखते हुए नौकरी छोड़ दिया आपने, तो नौकरी किस लिए छोड़ी ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। तो भारत को भी आज़ादी की जो वजह थी, तीन चार थी, लेकिन पर्टिकुलर किस वजह से आज़ादी मिली ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि तमाम इतिहासकार इस वजह को क्या करते हैं कि इस वजह को बोलते हैं कि ये से अथेंटिक है, उस वजह को बोलते हैं ये अथेंटिक है। फिलहाल हम यहाँ डिस्कस करेंगे सारे कारणों को। अब क्या था, सबसे पहली बात, द्वितीय विश्व युद्ध आपको पता ही होगा, सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 को ख़त्म हुआ था और 1942 में एक क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जिस ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे थोपा, भारत पे थोपा कि भारत के लोग हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हेल्प करेंगे और हमारी तरफ से लड़ने जाएंगे, यानी इंडिया को बिना इंडिया वालों से इजाज़त लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में झोंक दिया कि इंडिया भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल है। अब इसके अकॉर्ड लिए गांधी जी ने कुछ मूवमेंट्स चलाए, ब्रिटिशर से बात किए, और ब्रिटिशर से बात करने के बाद और उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया 1942 में मेनली, और क्विट इंडिया मूवमेंट से इस क्रिप्स मिशन को ख़त्म किया और ब्रिटिशर से ये वादा लिया कि अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वार में आपका साथ दें तो आप हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की आज़ादी दे दोगे, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में सहयोग दोगे। अब ब्रिटिशर्स के पास कोई और चारा नहीं था, उनको सैनिक तो चाहिए थे युद्ध में लड़ने के लिए, और सबसे ज़्यादा लोग भारत में ही थे जहाँ से सैनिक बना करके लोगों को भेजा जा सकता था, और भारत तभी जाएगा जब गांधी जी बोलेंगे। तो
तो गांधी जी को उन्होंने वादा किया कि ठीक है, हम आपके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनवाएंगे। ठीक है, 45 का युद्ध हुआ। अब 45 का सॉरी सेकेंड वर्ल्ड वार का युद्ध हुआ, 45 नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वार का युद्ध हुआ। 1945 में वो युद्ध खत्म हुआ, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार क्या हुआ, 1945 में फिनिश हुआ। और 1945 में फिनिश होने के साथ साथ यहाँ पर इसी 1945 में ब्रिटेन में इलेक्शन भी हुए। क्या हुए? इलेक्शन भी हुए। अब इलेक्शन में प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी से बिलोंग करते थे। लेबर पार्टी बेटा एक ऐसी पार्टी है साथियों, लेबर पार्टी एक ऐसी पार्टी थी कहाँ की, ब्रिटेन की, जहाँ पर इनको स्वयं उतनी आज़ादी से रहने नहीं मिलता था, मतलब उतनी आज़ादी से ये नहीं रह पाते थे जितनी आज़ादी से इनको रहना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं फ्रीडम यानी आज़ादी की वैल्यू इन लेबर पार्टी वालों को पता थी, और इनके मन में था कि चलो अब भारत को आज़ाद करने का टाइम आ गया है, अब हमारी सरकार है, बाकी सरकारें ने जो किया किया, हम भारत को आज़ाद करेंगे, ऐसा इनके मन में विचार आया। लेकिन साथ ही साथ एक समस्या और थी, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, जब उन्होंने क्या किया, 1945 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जब बने, तो उन्होंने देखा कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वार के ख़त्म होने के बाद हमारे ऊपर 21 बिलियन पाउंड का कर्जा है। कितने का कर्जा? 21 बिलियन पाउंड। 21 बिलियन पाउंड कर्जा, मतलब समझ रहे हैं आप, अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो 22 खरब रुपए। कितना? 22 खरब रुपए, इतना कर्जा आज के समय के हिसाब से। लेकिन उस समय 1 पाउंड लगभग 13.37 INR के बराबर था, मतलब इंडियन नेशनल रुपी। अच्छा, ये जो कन्वर्जन है ये मैं आपको 1947 का बता रहा हूँ, क्योंकि 1947 के पहले इंडियन नेशनल रुपीज़ की वैल्यू क्या थी ये तो किसी को नहीं पता, क्योंकि आज़ादी के बाद ही इंडियन नेशनल रुपी कितने पाउंड कितने डॉलर के बराबर है ये 1947 के बाद ही डिसाइड हुआ। उसके पहले इंडियन नेशनल रुपी की वैल्यूएशन क्या थी नहीं पता। इसलिए आप कहीं भी हिस्ट्री खोल के देखेंगे अगर पाउंड और कन्वर्जन का, तो आपको 1947 के बाद ही मिलेगा, 1947 से पहले इसकी कोई वैल्यूएशन नहीं मिलेगी। तो उस समय फिलहाल 13.37 रुपए था 1 पाउंड का, मतलब तो इतना पैसा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ उस समय के हिसाब से ये भी ऐसा भी बहुत था। अब इतने कर्जे में अगर कोई देश है तो वो अपना ही देश चला ले, यही बहुत बड़ी बात है। अब वो अपना देश ही ठीक से नहीं चला पा रहे हैं तो भारत को क्या चलाएंगे। तो उन्होंने डिसाइड किया चलो ठीक है यार, 1945 में हम युद्ध लड़े और जीते, जीतने के बाद फिर क्या कहते हैं, हमारे ऊपर इतना कर्जा आ गया, इंडिया में भी आज़ादी को लेकर के डिमांड बहुत तेज़ है, और एक काम करते हैं, मतलब कई स्थितियां बनी। एक तो उनके अंदर मन में जो है आज़ादी के प्रति कुछ भावनाएं भी थीं, दूसरा इतने कर्जे में भी आ गए, तीसरा इंडिया में आज़ादी की मांग बहुत तेज़ थी। दो तीन कंडीशन, और गांधी जी को वादा किया गया था कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद, तो मतलब 3-4 कंडीशन थी जिसकी वजह से क्लीमेंट एटली ने क्या किया, यहाँ पर कैबिनेट मिशन भेजा। कैबिनेट मिशन क्या है? ये एक घोषणा पत्र था, एक टाइप का आप लेटर कह सकते हैं कि जाओ भैया इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन की रचना कर दो, जाओ और इंडिया में कानून नियम सब बना दो और उनको पावर ट्रांसफर कर दो, यानी ब्रिटिश के पास जितनी पावर है सब इंडियन लीडर्स को ट्रांसफर कर दो, अब वो अपना देश चलाएं, अब हमसे कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन कब, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन करके रेडी हो जाए। तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया, और कैबिनेट मिशन क्या था 1946 में, डिस्कस था कि पावर का ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स के पास पावर का ट्रांसफर करने के लिए डिस्कस करने आए थे, और वही था कैबिनेट मिशन यानी एक घोषणा पत्र। और इस बात का स्पेशल ध्यान रखा जाए कि विद द एम ऑफ प्रिजर्विंग इंडियाज यूनिटी, यानी इंडिया की अखंडता यानी यूनिटी ना खोए, यानी यूनिटी खराब ना हो, और ग्रांटिंग इट्स इंडिपेंडेंस, और इनको इनकी आजादी प्रोवाइड कर दिया, यानी भारत के टुकड़े नहीं होने चाहिए, इस तरीके से इनको आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए और आज़ादी दीजिए।
अब कैबिनेट मिशन लेके आए कौन थे? एक तो थे ए वी अलेक्जेंडर, दिख ही रहे हैं आपको, एक है स्टेफोर्ड क्रिप्स, यही थे जो क्रिप्स मिशन लेके आए थे, जबरदस्ती भारत को वर्ल्ड वार टू में घसीट दिया था, और फ्रेडरिक पैथिक लॉरेंस, और तीसरे थे कौन? फ्रेडरिक पैथिक लॉरेंस। ये वास्तव में एक इकोनॉमिस्ट थे, और या क्या कहते हैं, मतलब वहाँ के एक पॉलिटिकल नेता कह सकते हैं आप, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, उस समय दो पॉलिटिकल पार्टीज थी इंडिया में जब कैबिनेट मिशन आया, दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज। पहली पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके हेड कह सकते हैं या जिसमें जिसकी चलती थी वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और दूसरे थे मुस्लिम लीग, जिसमें क्या थे? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना जिसके हेड मान सकते हैं, जिनकी चलती थी। अब भाई ये तीनों आए और इन्होंने कहा भाई हमको इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन की रचना करनी है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की रचना करनी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की कैसे जाए, उसके लिए तो एक ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है, और ग्रुप का नाम दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। क्या नाम दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब उन्होंने कहा कि भाई हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की ज़रूरत पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमको फॉर्म करनी है, जिसके लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए। अब हम क्या करेंगे? वोटिंग करवाएंगे। वोटिंग करवाने के बाद जिसको जितना वोट मिलेगा उसको उतना हक होगा कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में। तो जिन्ना कहे भाई हमको इंडिया से कोई खास मतलब नहीं, हमको तो एक इंडिया का टुकड़ा काट के दे दो, हम अपने पूरे मुस्लिम समुदाय की वहीं पर सेवा कर लेंगे, वहीं हम उनके हिसाब से, आप अपने हिसाब से और उनके हिसाब से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिख लेंगे, हमें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भाग नहीं लेना। क्योंकि इनकी इच्छा थी ये प्रधानमंत्री। अब जवाहरलाल नेहरू की भी इच्छा थी यही, मैं भी प्रधानमंत्री बनूं। अब जब दो लोगों की इच्छा प्रधानमंत्री बनने की है, बन तो कोई एक ही पाएगा, तो भाई समझौता हो नहीं पा रहा था। तो अब जिन्ना को था प्रधानमंत्री बनना और पूरे भारत पर राज करने का सपना दिखाना, ये काम किया इन तीन महान व्यक्तियों ने। इन तीन महान व्यक्तियों ने क्या किया? जिन्ना को बोला, अरे यार तुम छोटे से टुकड़ा लेने के चक्कर में पड़े हो, मैं तुमको पूरा भारत दे रहा हूं, तुम पता नहीं क्या। अरे तुम मुस्लिम लीग के हेड हो, इंडिया में मुस्लिम आबादी तुमको ही वोट करेगी, और तुमको वोट करेगी तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सबसे ज्यादा वोट तुम पाओगे, और अगर तुम पाओगे तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का अधिकार भी तुम्हारा होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन अपने हिसाब से लिख सकते हो, मुस्लिम के लिए चाहे जितनी बेनिफिट्स डालना हो डाल सकते हो। जिन्ना को बात समझ में आई, यार बात तो सही है, मैं तो छोटे से टुकड़े में परेशान हूँ, यहाँ तो मेरा पूरा भारत आ जाएगा मेरे हाथ में। जिन्ना मान गए, ठीक है मैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए राजी हूँ, चुनाव करवाइए। चुनाव हुए, रिजल्ट आए, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीट मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली, और अदर्स में मिली 15 सीटें, और प्रिंसली स्टेट को 93। प्रिंसली स्टेट वो थे जहाँ राजे रजवाड़े थे, यानी अभी भी राज चलता था राजा लोगों का, ऐसी जगह वहां पे 93 सीट्स आई। अब आईएनसी के पास 208 सीटें थी बेटा, 208 सीटें होने पर अब हक तो इन्हीं का बनता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन यही लिखेंगे। अब जिन्ना जी गुस्सा हो गए, उन्होंने कहा ये ठीक नहीं, ईवीएम में गलती है, यानी वोटिंग सही से नहीं हुई है, कुछ तो दिक्कत है, मेरे मुस्लिम मुझको धोखा नहीं दे सकते। लेकिन अंग्रेज कहे भाई तुमको बड़ा घमंड था अपने मुस्लिम समुदाय पे, अब मुस्लिम समुदाय ने ही तुमको वोट नहीं दिया, अब क्या करोगे? तो अब मोहम्मद अली जिन्ना काफी ज्यादा गुस्से में आ गए, और गुस्से में आने के बाद उन्होंने डिमांड किया कि नहीं भैया हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पार्ट नहीं लेंगे, हमें तो इंडिया का पार्टीशन करना है। और इलेक्शन रिजल्ट के बाद उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, मतलब इंडिया का पार्टीशन करना है, मतलब इंडिया का एक टुकड़ा हमको दे दो और हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पार्ट नहीं लेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पार्ट नहीं लेंगे तो ठीक है भैया, अब इनको चाहिए एक टुकड़ा। कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री, वल्लभ भाई पटेल, इन सबको भी लगता था कि यार तीन चार टुकड़े होने से अच्छा है कि एक टुकड़ा इनको दे दो, ठीक है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर दंगे शुरू होना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि जिन्ना मुस्लिम लीग के एक बहुत बड़े नेता थे और काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम समुदाय इनको फॉलो करता था। अब इस चीज़ को लेकर के पूरे भारत में दंगे शुरू होना शुरू हो गए, मतलब हिंदू मुस्लिम राइट्स होने स्टार्ट हो गए।
हिंदू मुस्लिम राइट्स होने स्टार्ट हो गए, और अब ये राइट्स ना हो इसलिए गांधी जी आए जिन्ना के पास। उन्होंने कहा आप पार्टीशन का सपना छोड़ दीजिए, अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आप ही बन जाइएगा प्रधानमंत्री, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं जवाहर से बोल दूंगा, वो नहीं बनेगा, मेरी बात वो नहीं ठुकराएगा। गांधी जी को ये विश्वास था, लेकिन जिन्ना बोले ना मैं भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, मैं तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनूंगा, मुझे तो बस एक टुकड़ा चाहिए इंडिया से। चलिए जब जिन्ना नहीं माने तो भाई दंगे होना वास्तविक थे, अब पूरे भारत में दंगे होने शुरू हुए। स्थिति आप स्वयं देख सकते हैं, आपके सामने है, ये फोटोज हैं कुछ उस समय के जब दंगे होना स्टार्ट हुए, देख सकते हैं क्या स्थिति है, क्या गोला बारूद चल रहा है, क्या धुओं का अंबार उठ रहा है, ट्रेनों की क्या स्थिति है। जो माइग्रेशन हुआ था, वर्ल्ड का सबसे बड़ा माइग्रेशन हुआ था, जिसमें पता नहीं कितने लोग इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया आए थे, जिंदा और मुर्दा दोनों हालतों में, मरे हुए भी आए थे और जिंदा हालत में भी आए थे, पता नहीं कितने परिवार बिछड़ गए एक दूसरे से, पता नहीं कहाँ पर लोग खो गए, आज तक मिले ही नहीं, उनके बारे में पता ही नहीं चला। और इन चीजों को देखते हुए लॉर्ड माउंटबेटन को यहाँ का वायसराय बनाया गया, जो कि क्या थे, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर थे। आर्म्ड फोर्सेस, अब आर्म्ड फोर्सेस क्या था, आर्म्ड फोर्सेस मित्र देशों को रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी मित्र देशों की तरफ से ये सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ रहा था, ये है लॉर्ड माउंटबेटन। और इन्होंने क्या किया था, वर्ल्ड वार में आर्म्ड फोर्सेस को कमांडेंट किया था। अब यहां पर इन्होंने वर्ल्ड वार टू जीता था, किस डेट पे, 15 अगस्त 1945, डेट याद रखिएगा 15 अगस्त, बहुत रिलेशन है इस डेट से, डेट याद रखिएगा 15 अगस्त 1945 को इन्होंने क्या किया था, वर्ल्ड वार जीता था। मतलब इसी दिन जापान ने सरेंडर किया था, जो जापान था इसी दिन सरेंडर किया था सेकेंड एटम बॉम्ब गिरने के बाद, तो इसी दिन सरेंडर किया था और इसी दिन ये वर्ल्ड वार टू जीते थे। और इस लिए अब इनको भेजा गया कहां पर, इंडिया में वायसराय बना करके। अब वायसराय बना करके इनको भेजा गया, ये तो यहाँ की स्थिति देख के भयभीत हो गया, अरे बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है, भाई भाई को मारने पर चला है, कहाँ क्या हो जा रहा है, कोई भरोसा नहीं। इन्होंने तुरंत क्लीमेंट एटली को फोन लगाया, कहा सर मैंने तो सोचा था कि 30 जून 1948 में भारत को आजाद कर दूंगा, लेकिन यहाँ की स्थिति देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि इसको इतने में ही आजाद करना पड़ेगा। और दूसरी बात, आप कह रहे थे कि भारत को पार्टीशन मत करो, भारत का पार्टीशन मत करो, लेकिन स्थिति ये बन रही है कि पार्टीशन करना ही पड़ेगा, और ये फायदेमंद भी है हमारे लिए, क्योंकि अगर हम पार्टीशन कर देते हैं तो भारत पाकिस्तान आपस में ही युद्ध लड़ता रहेगा, आपस में ही परेशान रहेगा, उनका ध्यान कभी हमारे ऊपर आएगा ही नहीं कि हमने उनके ऊपर कितना जुल्म किया है। अब ब्रिटिशर्स जिन जिन देशों को आजाद करते थे उनको 3-4 टुकड़ों में बांट देते थे, ताकि वो लोग आपस में ही लड़ते रहें, होम फाइट में ही बिजी रहें, ठीक है, और हमारे ऊपर उनका ध्यान ही ना जाए। तो लॉर्ड माउंटबेटन अब ये स्थिति देख करके क्या किए कि यहां पर उन्होंने घोषणा की कि भाई मैं डिसाइड करता हूं कि इंडिपेंडेंस जो है वो 30 जून 1948 को देने वाला था, लेकिन यहां की मौजूदा राइट्स की हालत देख करके मैं ये डिसाइड करता हूं कि मैं आपको इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 को दे दूंगा, बाय डूइंग पार्टीशन ऑफ इंडिया। एक काला सच, एक बहुत ही दुखद घटना इस भारत के इतिहास के लिए, जिसको हम लोग पार्टीशन कहते हैं। कौन चाहता है यार कि जमीन के टुकड़े हो जाएं, कौन चाहता है? तो पार्टीशन एक कड़वा सच था, कोई नहीं चाहता था कि पार्टीशन हो, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना था कि यदि भारत के 4-5 टुकड़े होने से अच्छा है एक टुकड़ा हो जाए, और हमें वास्तविकता स्वीकारनी चाहिए। बाकी भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये चाहता है कि भारत के टुकड़े हों। तो ये सब एक डिप्लोमेटिक आंसर है, सब तो छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है इसके बारे में। अब क्या हुआ, जब भी अब यहाँ वही चीज़ लिखा है कि ये 4-5 टुकड़े करके जाते थे। अब 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद करने की डेट आ गई, पता नहीं कितने लोग मर गए, पता नहीं कितने लोग, तब जा करके ब्रिटिशर्स बोले कि भैया अब आज़ादी दे दो, वरना ये आपस में मार काट रहे हैं, कब हमको मार डालेंगे हमें पता ही नहीं चलेगा।
स्थिति बनेगी, क्या नहीं बनेगी, कम से कम हम तो जिंदा बच के निकल चले, इनको आजादी दो और भागो यहां से किसी तरीके से, क्योंकि यहाँ स्थिति एकदम खराब हो चुकी है। कोई किसी को पहचान ही नहीं रहा है, हर हर हाथ में तलवार, हर हाथ में कट्टा बंदूक, हर हाथ में हथियार। मतलब स्थिति कुछ ऐसी बन गई थी कि लोग एक दूसरे के जान के प्यासे हो चुके थे। अब स्थिति क्या हुई? अब ड्यू टू इंडियन सेंट, भारत के कुछ ऋषि मुनियों ने कहा कि भाई 15 अगस्त का जो डेट है, 15 अगस्त का जो डेट है वो अनहोली है, अपवित्र है, यानी वो शुभ नहीं है, उस दिन आज़ादी मत दीजिए। और उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन से कहा कि इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन कहे नहीं, 15 अगस्त के दिन तो मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीता था, मेरे लिए इससे ज़्यादा शुभ दिन और कौन हो सकता है, मैं तो आज़ादी 15 अगस्त को ही दूंगा। बहुत बातचीत हुई, चर्चाएं हुई, तो एक बीच का रास्ता निकाला गया कि भाई ऐसा करते हैं, 14 अगस्त की मिडनाइट यानी 12 बजे, 12 AM, 14 अगस्त रात को 12 बजे आजादी दे दिया जाए, क्योंकि भारतीय संस्कृति के अनुसार सूर्योदय के बाद अगला दिन लगता है, तो हमारे लिए तो 15 अगस्त सुबह 5 बजे के बाद लगेगा, 5 AM के बाद, लेकिन ब्रिटिशर्स के लिए 15 अगस्त रात को 12 बजे ही लग जाएगा। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने एक बीच का रास्ता निकाला और उन्होंने कहा कि ठीक है, 14 अगस्त की रात को 12 बजे हम लोग क्या करते हैं, आज़ादी दे देते हैं। तो इसलिए अब यहाँ पर क्या हुआ, इसीलिए 14 अगस्त को, दैट्स वाई पाकिस्तान सेलिब्रेट्स इस इंडिपेंडेंस डे ऑन 14 अगस्त। इसीलिए पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे कब मनाता है, 14 अगस्त को मनाता है। लेकिन एक बात और है, एक सच्चाई है, आपको पता नहीं होगी, पाकिस्तान अपने पहले दो इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया था। पहले दो इंडिपेंडेंस डे उसने 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया था। बाद में उसको किसी ने दिमाग दिया कि भाई ऐसा है कि हम तो आज़ाद 14 को हुए थे रात में, तो उसने अपनी आज़ादी का दिन 14 अगस्त शिफ्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि 15 को तो भारत भी अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता था। अब भारत और पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे एक ही दिन पड़े, ये पाकिस्तान को कहाँ मंजूर था? भाई कंपटीशन की भावना है ना, हालांकि बराबरी तो नहीं हो सकती, बराबरी तो नहीं हो सकती, कहाँ वो कहाँ हम, है ना। लेकिन फिर भी अब उनकी इच्छा है, बराबर आने की कोशिश करते रहते हैं, करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ये अपने फर्स्ट दो इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को सेलिब्रेट किए थे। अब अगली बात करते हैं, 14 अगस्त 1947 को बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी दिल्ली में। 14 अगस्त 1947 को इतनी बारिश हुई सुबह से शाम तक कि अब लोगों को लगने लगा यार आज़ादी के जश्न में चलेंगे कैसे रात को, दिल्ली तो पूरा भर गया है पानी से, कैसे होगा, कैसे चलेगा। लेकिन फिर भी आप यकीन मानिए, इतने विषम इतनी परिस्थितियों में, इतने खराब मौसम में भी 5 लाख लोग लाल किला और इंडिया गेट के सामने आए उस जश्न को मनाने के लिए, क्योंकि जश्न ही इतना बड़ा था। पता नहीं कितने लोग इस आज़ादी का इंतज़ार कर रहे थे, पता नहीं कितने लोग अपने पूरे जीवन लगा दिए इस आज़ादी के दिन को देखने के लिए। आपको क्या लगता है, एक बारिश की बूंदें उन्हें रोक सकती थी? कतई नहीं, जश्न ही इतना बड़ा था। अब ये जश्न जो इतना बड़ा था, इतने रेनफॉल के बाद भी लोग वहां पर पहुंचे और इंडिपेंडेंस डे का क्या किया, देखा। ये देख रहे हैं आप स्थिति, बादल देखिए, ये लाल किला है 14 अगस्त 1947 में, ऊपर बादल देखिए, नीचे लोगों का जमावड़ा देखिए, ये थी आजादी, ये था वो दिन, वो ये था वो मंजर, रोंगटे खड़े हो जाएंगे भाई साहब। देखिए, तो अब लोगों में यहां पर पहुंचे, लोग यहाँ पे पहुंचे और जवाहरलाल नेहरू को बोला गया भाई 11:51 से आप अपना भाषण स्टार्ट कीजिए और 12 बजे जस्ट खत्म कर दीजिए, 9 मिनट में, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, अब चलो वैसा तो हुआ ठीक है, पार्टीशन हो गया, अब इसकी बात अभी रुको, इस स्लाइड की बात बाद में करते हैं। तो लोग लाल किला पहुंचे इंडिपेंडेंस डे के लिए, 11:51 से जवाहरलाल नेहरू भाषण स्टार्ट किए, 12 बजे ख़त्म कर दिए, लॉर्ड माउंटबेटन आए और उन्होंने भारत को आज़ादी प्रोवाइड की, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए, सिग्नेचर करवाए
जिससे भी करवाए हों, अभी तक मुझे पता नहीं किससे करवाए हैं, या हिस्ट्री में कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट्स हैं कहाँ पे या किसने सिग्नेचर किए। और अब उन्होंने पार्टीशन किया पाकिस्तान का एक टुकड़ा, मतलब बताया कि यहाँ से यहाँ तक आप पाकिस्तान, ये इंडिया का एक पार्ट पाकिस्तान, और ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान दो पाकिस्तान बना करके भाई साहब, और इंडिया को दो टुकड़ों में बांट करके फुर्सत हो लिए। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि महात्मा गांधी एक अखंड भारत का सपना देखे, मतलब उनको नहीं पसंद था कि भारत के टुकड़े हों। कौन चाहेगा यार कि अपनी माँ जैसी भूमि के टुकड़े हो जाएं, माता जैसी भूमि के खंड हो जाएं, कोई नहीं चाहेगा, हम भी नहीं चाहेंगे, आप भी नहीं चाहेंगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस महात्मा गांधी डिड नॉट प्रेजेंट, इंडिपेंडेंस यानी उस 14 अगस्त की रात को महात्मा गांधी लाल किले पर प्रेजेंट नहीं थे, बल्कि वो कहाँ बैठे थे, वो अनशन पे बैठे थे हिंदू मुस्लिम राइट्स के लिए, कहाँ पर, बंगाल में, बंगाल में कहाँ बैठे थे, अनशन के लिए। बल्कि जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, वल्लभ भाई पटेल, ये सब उनको खत भी लिखे, पत्र लिखे कि बापू अगर आप यहाँ होते तो बहुत अच्छी बात होती। तो बापू ने रिप्लाई में लिखा, जैसे आप करते ना व्हाट्सएप का रिप्लाई आजकल, तो बापू ने रिप्लाई में लिखा कि भैया मैंने अखंड भारत का सपना देखा था, और अगर भारत इन शर्तों पर आज़ाद हो रहा है कि उसके टुकड़े हों, तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी आज़ादी, और आज़ादी लेकर के मैं करूँगा ही क्या जब भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, भाई भाई को मार रहा है, भाई मतलब हिंदू, भाई मतलब मुस्लिम, यानी हिंदू मुस्लिम को मार रहा है, मुस्लिम हिंदू को मार रहा है, तो भाई भाई में जब भाई भाई को मार रहा है तो ऐसी आज़ादी का मैं करूँगा ही क्या। तो वो अनशन पर बैठे थे, वो नहीं आए। और उसके बाद क्या हुआ कि अब हम आइए आ गया, देखिए उसके बाद भारत आज़ाद हो गया, लेकिन उस आज़ादी का मूल्य या वैल्यू आप अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी मुश्किल से मिला था। ऐसे आसानी से आज़ाद नहीं हुए हम, पता नहीं कितने खून की नदियां बह गई तब जा करके आज़ादी मिली। थाली में परोस के अंग्रेज़ नहीं दे गए कि भैया लो आज़ादी ले लो। आज के समय आप बाइक पर झंडा लगाने से, घर के बाहर झंडा लगाने से आपका मूल कर्तव्य पूरा नहीं होता। उस आज़ादी के वैल्यू को समझिए कि उस समय क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, उसको आप एक सोच समझ सकते हैं। और मुझे लगता है हर भारतीय को ये बात पता होनी चाहिए। इसलिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, मित्रों, सबके साथ। अब अगला क्या है, हमारे पास कोई साइन डॉक्यूमेंट नहीं, हमारे पास कोई साइन डॉक्यूमेंट नहीं है कि हम आज़ाद कब हुए, कैसे हुए, क्या हुए, कहाँ हुए। मतलब आज़ादी के समय जिन डॉक्यूमेंट्स पे साइन किया गया था वो डॉक्यूमेंट्स हमें आज तक नहीं दिखाई पड़ा, ना किसी सरकार के पास है। क्यों? क्योंकि किसने साइन किया और कहाँ रख दिया कुछ पता नहीं। बट एट दैट टाइम सम पीपल आर प्रेजेंट, लेकिन उस समय कुछ लोग प्रेजेंट थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंट थे, मोहम्मद अली जिन्ना प्रेजेंट थे, लाल बहादुर शास्त्री प्रेजेंट थे, राजेंद्र प्रसाद प्रेजेंट थे, लॉर्ड माउंटबेटन प्रेजेंट थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रेजेंट थे। ये बड़े नेता थे, बाकी प्रेजेंट तो और लोग भी हो सकते हैं, लेकिन ये बड़े नाम हैं। ये इन बड़े नामों में से ये सब लोग प्रेजेंट थे उस समय। अब वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, किसके पास है, कहाँ रख दिया गया, आई डोंट नो। हाँ, लेकिन उस डॉक्यूमेंट में इतना पता था कि पाकिस्तान को कुछ रकम देनी थी एज अ रेवेन्यू, जो हमने उस समय पर कलेक्ट किया था जब पार्टीशन से बहुत पहले, मतलब पार्टीशन तो जून तक में, 30 जून को पार्टीशन हो गया था, मतलब उसकी स्वीकृति मिल गई थी कि हाँ भैया पार्टीशन हो गया, पाकिस्तान इधर, इंडिया इधर, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब तक भारत ही पूरा देख रहा था। तो उन दिनों जून से लेकर अगस्त तक जो भी रेवेन्यू इकट्ठा हुए थे उस रेवेन्यू को पाकिस्तान को देना था कि भाई आप अपने हिस्से का रेवेन्यू ले लीजिए। तो हालांकि जो महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी यानी हत्या हुई थी उसमें भी कई कारण थे। उन कारणों में से एक कारण ये भी बताया जाता है कि इस रेवेन्यू को देने के लिए जवाहरलाल नेहरू एग्री नहीं थे, गांधी जी ने एग्री करवाया कि भाई दे दो, ठीक है, एक कारण ये भी था। तो अब पता नहीं, सच्चाई तो पर वाला ही जाने, लेकिन आज़ादी का असली मूल्य
इस तरीके से पूरा होता है कि आप उस दर्द को, उस पीड़ा को, उन चीज़ों को, इन सेक्रीफाइसेस को फील कर पाएं, सिर्फ आज़ादी 15 अगस्त को स्कूल में जाके लड्डू खा लेने से, बाइक में झंडा लगा लेने से और घर के सामने झंडा लगा लेने से पूर्ण नहीं होता। बेशक ये भी कीजिए, गलत नहीं है, सेलिब्रेशन को रिप्रेजेंट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैल्यूज़ को भी याद रखिए कि भारतीय स्वतंत्रता दिवस की वैल्यू है क्या, हम किन परिस्थितियों में आज़ाद हुए थे, कैसे आज़ाद हुए थे, इनको भूल जाना, ये मुझे लगता है एक भारतीय होने के साथ साथ आपको, मतलब एक भारतीय, अगर आप एक भारतीय हैं और इसको भूल जाते हैं तो शायद ये महाअपराध होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। इसी तरह की वीडियो के लिए द एक्सीलेंट मेंटर्स को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।